दो स्टॉक्स को एक का नाम है रिस्को और दूसरे का नाम है जेनको और इकोनॉमी के तीन पॉसिबल सिचुएशंस यानी कि स्ट्रॉन्ग नॉर्मल और वीक के ऊपर हमने जेनको के एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होंगे और रिस्को के एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होंगे साथ में उस उन रिटर्न्स के होने के अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको भी हमने अकाउंट फॉर किया है आप टेबल में देख सकते हैं सो वी हैव गॉट दो इकोनॉमी के स्टेट्स तीन उसके बाद सेकेंड कॉलम में हमने रेट ऑफ रिटर्न लिया है रिस्को का उन तीन पॉसिबल स्टेट्स के अंदर आपके पास रिटर्न के मल्टीपल वैल्यूज होने चाहिए स्टैंडर्डावेशन को कैलकुलेट करने के लिए और मीन को कैलकुलेट करने के लिए फिर हमने अगले कॉलम में यानी कि तीसरे कॉलम में रेट ऑफ रिटर्न ऑन जेन को लिया है फिर उसके एंड में लास्ट जो कॉलम है उसमें आपको इनके अकर करने की पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ को पॉसिबिलिटीज को चांसेस को या प्रोबेबिलिटीज़ को हमने लिखा हुआ है इन इस डेटा की मदद से हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे रिस्को की रिटर्न्स की और जेनको के रिटर्न्स की और उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें तीन चीज़ें चाहिए द फर्स्ट वन नीड द फर्स्ट थिंग वी नीड इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स सेकंड हमने उसका मीन निकालना है तीसरी चीज़ हमें प्रॉबलिटीज़ चाहिए और इन तीनों चीज़ों को हम जो हमारे पास यहाँ अभी मीन नहीं लिखा हुआ मैंने आपको बताया था मीन कैसे कैलकुलेट होगा तो हम ये तीन चीज़ों को इस्तेमाल करके फॉर्मूला में प्लग करेंगे और हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे और मैंने आपको पहले भी बताया था अभी आई एम रिपीटिंग एट के डेविएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ रिस्क तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जिस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए हाई होगी इसका मतलब है वो ज़्यादा रिस्की है और जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या स्टॉक के लिए स्टैंडर्ड स्टैंडर्डेशन की वैल्यू स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाजेशन किसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का उसकी वैल्यू कम होगी इसका मतलब है वो लेस रिस्की है तो हैव गॉट द डेटा वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीन एंड देन प्लग दीज वैल्यूज इन दिस फोर्मूला वेयर यू नीड द वैल्यू ऑफ द मीन एंड उसके बाद आपको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहाँ वैल्यू ऑफ रिस्को का मीन हमने निकाला है कैलकुलेट किया है एंड दैट इज जीरो पॉइंट वन और आपके पास जो अच्छे हालात में बुरे हालात में और नॉर्मल हालात में रिटर्न आ रही थी आपने उनको अकाउंट फॉर किया दैट इज नॉट पॉइंट फाइव और नॉट पॉइंट फाइव को मीन से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने उसको स्क्वायर करना है

स्टैंडर्ड स्टैंडशन को कैलकुलेट किया है तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ सो नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न के व्हाट डू वी मीन बाई दीज रिस्को स्टॉक के लिए जो डेटा आया था उसकी मदद से हमने जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइवेशन की वैल्यू कैलकुलेट की है दैट वॉज ट्वेंटी और जेनको स्टॉक के लिए स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइविएशन की वैल्यू निकल के आई है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि जितनी छोटी वैल्यू होगी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाजेशन की उतना ही वो लो लेवल ऑफ रिस्क को रिप्रेजेंट करती है सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हो कि चूँकि रिस्को का रिस्को स्टॉक की रिटर्न का स्टैंडर्ड ट्वेंटी 25.3 आया है इसका मतलब है कि रिस्को स्टॉक की रिटर्न मोर रिस्की है या ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है इसमें एज कंपेयर टू जेनको स्टॉक और जिनको स्टॉक का जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्विएशन है वो काफी कम है रिस्को स्टॉक के स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियन से विच इज ट्व पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट सो यू कैन सी दैट देर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर एंड दैट आर दीज टू नंबर आर इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ रिस्क अप विद दीज टू स्टॉक सो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उनको अंदाजा हो जाता है कि फला जो स्टॉक है उसके साथ में वो हाई रिस्क इन्वॉल्विंग स्टॉक है या वो लो रिस्क वाला स्टॉक है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप रिस्क अवर्डर हैं रिस्क लवर हैं आप उसके मुताबिक अपने फैसला इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना फैसला कर सकते हैं द नेक्स्ट थिंग आई एम मूविंग ऑन टू इज़ द एक्सेल फाइल सो आई विल बी टेलिंग यू कि एक्सेल के ऊपर आप इस पूरे काम को किस तरह से कर सकते हैं बहुत क्विकली आसानी के साथ और यहाँ में इस पर्टिकुलर चीज़ को इलास्ट्रेट करने के लिए जैन की स्टॉक की डेटा को रेट ऑफ रिटर्न को प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल कर रही हूं तो व्हाट आई डेटा आपके सामने मौजूद है यू कैन सी रेट ऑफ रिटर्न ऑन जेन को मैंने लिया है टेन माइनस टेन टेन परसेंट एंड थर्टी परसेंट उसके गिवन थे जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट टू और इन दोनों की मदद से मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने मीन निकाला और मीन कैसे निकलेगा आपने रेट ऑफ रिटर्न को प्रोबेबिलिटी के साथ में मल्टीप्लाई करना है यानी कि आर मल्टीप्लाईड बाई प्रोबिलिटी ऑफ आर और आपने मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल लेने वैल्यूज निकालेंगे तो फिर आपने इनको जमा कर लेना है और जो सम होगा दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन जेनको स्टॉक ये निकल के आई जीरो पॉइंट वन अब आपने इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है क्या करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन जेनको रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए और उसके लिए हम क्या करेंगे सिंपली आपने हर एक रिटर्न लेना है जैसे माइनस टेन है इसको आपने मीन की वैल्यू से सबट्रैक्ट कर देना ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है आर माइनस ई आर तो सबसे पहले आपने रिटर्न लेनी है उसकी मीन से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने वो टेन परसेंट आई थी मीन

जीरो पॉइंट वन लेना है ठीक है तो अभी क्या हुआ हमने क्या किया माइनस टेन परसेंट को टेन परसेंट से माइनस कर दिया ठीक है यानी कि आर माइनस -ER की ER की वैल्यू मेरे पास ये लिखी हुई है टेन परसेंट तो आपके पास माइनस ट्वेंटी परसेंट आया फिर आपने प्लस टेन में से माइनस टेन सब्ट्रैक्ट की तो आपके पास जीरो परसेंट आ गई फिर आपके पास थर्टी माइनस टेन किया तो ट्वेंटी परसेंट आ गई ये आपकी आर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर है अब आपने इसको करना है स्क्वायर करने के बाद आप इसको प्रोबेबिलिटी ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे राइट right? तो हमने क्या किया हमने आर माइनस ई आर को स्क्वायर करा स्क्वायर करके मेरे पास ये वैल्यूज आई हैं, इनको मैंने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में मल्टीप्लाई करके इसको जमा कर दिया और जब मैंने इसको जमा किया है तो मेरे पास जो वैल्यू आई है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स और ये किस चीज की वैल्यू है

परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आई स्टैंडर्ड दिसंट तो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था कि हम हाथ से अगर के अंदर करके कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट किया था तो वहाँ भी ट्वेल्व पॉइंट परसेंट निकली थी अब आप यही वाली एक्टिविटी को खुद से ट्राई कर सकते हैं आप रिस्को की नंबर्स को एक्सेल की फाइल में डालें आप ये वाली फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करें और अपने हाथ से कैलकुलेट करें आपकी जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपने निकाल दी है फिर वेरियंस निकालिएगा फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के आपको स्टैंडर्ड स्टैंडर्डावेशन की वैल्यू निकाल दी है स्टैंडर्डेशन की वैल्यू क्या निकलेगी उसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था उसमें वो कैलकुलेट हुई भी है तो यू कैन टेल योर आंसर विद डैट नंबर टू सी कि आपको दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न कि आपको एक्सेल के थ्रू मीन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना आया है कि नहीं आप उसको सीखें आपको वो आसानी हो जाएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर योर फ्यूचर यूज़ एंड दिस इज हाउ वी यूज वी कैलकुलेट दीज टू थिंग्स टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट हाउ डू वी इंटरप्रेट दीज नंबर्स इन नंबर्स को इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे इनका मतलब क्या होता है फाइनेंशियल परसपेक्टिव से और इसको हम एक्सेल की मदद से और हाथ की मदद से कैलकुलेटर की मदद से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते